हेलो फ्रेंड्स आज मैं मफलर के साथ अटैच्ड कैप लेके आई हूँ ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका और बहुत ही वार्म होता है ये गरम काफी होता है ये इससे आपका नेक भी कवर हो जाता है और आपकी कैप से आपका सर भी अच्छे से कवर हो जाता है देखिए इसका लुक आगे से और पीछे से बहुत ही सुंदर आता है आप इसमें कोई भी अपने पसंद का डिज़ाइन डाल सकते हैं बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताया है कि इसको कैसे बनाना है इस मफलर में पहले मैंने कैप बनाई है उसके बाद इस मफलर को बना के उसमें अटैच किया गया है तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये बुनाई के इसी तरह के नए नए और ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइन के लिखित पैटर्न के लिए आप हमारी निटिंग वेबसाइट स्वेटर बुनाई डॉट कॉम को चेक करें इस वेबसाइट में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिटर्न पैटर्न उपलब्ध होंगे इस कैप को बनाने के लिए मैंने 84 फोर स्टिचेस डाली हैं चौरासी फंदे डाले हुए हैं अपनी सिलाई में फंदे हमें सिंगल उन से ही डालना है और फंदों को ज़्यादा टाइट नहीं डालना है देखिए इस तरीके से हल्के से लूज डालिएगा फंदे अब चौरासी फंदे डालने के बाद देखिए ये सीधी तरफ है मेरी और इसको हम उल्टा उल्टा बिनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए इसकी बारह धारियां बनानी है तो ये पहली रो है सीधी तरफ है इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे लास्ट का एक फंदा हमें सीधा बिनना है बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्ट उल्टे बिनेंगे देखिए इस तरीके से तो ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसी। ये इस सारे फंदे उल्टे बिन लिए हैं हमने अब ये लास्ट की स्टिच है इसको हम धागा पीछे की तरफ करके इसको सीधा बिन लेंगे हर बार हमें लास्ट का फंदा एक सीधा बिनना है तो देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है अब सेकेंड रो है रॉन्ग साइड है इसको भी हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे सारे फंदे हम इस तरीके से इसमें भी उल्टे बिन लेंगे ये रो भी उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है मेरी लास्ट का पंदा मैंने सीधा बिना है बाकी के सारे पंदे उल्टे बिने हैं तो ये एक धारी हमारी बन गई है अब इसी तरीके से हमें बारह धारियाँ बनानी हैं दोनों तरफ से हम उल्टा बिनते हुए बारह धारियाँ अपनी कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसकी इसका कैप का डिज़ाइन बनाएंगे हम तो बारह धारियाँ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये कैप का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है ये देखिए ये मैंने बारह धारियाँ बनाई हैं उल्टा उल्टा बिनते हुए दोनों तरफ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बारह धारियाँ हो गई हैं ये सीधी तरफ है हमारी और ये अब रॉन्ग साइड है ये उल्टा साइड है जो हमारा आप जो भी डिज़ाइन इसमें डालेंगे वो हमें उल्टे साइड से सीधा डालना है तो क्योंकि ये बॉर्डर हमारा जो है इस तरीके से फोल्ड होगा तो ये जो सीधा वाला हिस्सा है वो फोल्ड होके हमारा इस तरीके से आएगा तो ये सीधा हो जाएगा हमारा तो आप डिज़ाइन को उल्टे साइड से डालिएगा तो अब मैं यहां से अपना डिजाइन डालूंगी उल्टा साइड है एक फंदा हमने स्लिप करा दो फंदे उल्टे बिने एक दो उसके बाद धागे को पीछे करना है तीन फंदे हमें सीधे बिन्ने हैं एक दो तीन तो ये पांच फंदों का मेरा डिज़ाइन है और दो फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं इसके अलावा दो फंदे मैंने अपनी एज के लिए लिए हैं तो ये टोटल 84 फोर स्टिचेज में एडजस्ट हो जा रहा है तो ये हमारी बेस रो है जो कि हमें डिज़ाइन में रिपीट नहीं करनी है तो ये पहली बेस रो है इसकी तागा आगे करेंगे फिर से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे आगे को पीछे की तरफ करके तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर से दोहराएंगे दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे फिर से दोहराएंगे दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे फिर से दोहराएंगे तो इसी तरीके से ये पूरे फंदे हम बिन लेंगे दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे करते हुए ये देखिए हम एंड में पहुंच गए हैं हमारे पास लास्ट में तीन फंदे बचे हैं तो दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे अब लास्ट के दो फंदे हमने जो एक्स्ट्रा लिए एक्स्ट्रा है हमारे पास वो दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे और ये एक फंदा हमारा स्टिच है तो इसको धागा पीछे करके सीधा बिन लेंगे अब ये बेस रो है ये वाली भी सेकेंड बेस रो है हमारी एक फंदा हमने स्लिप करना है अब जो सीधा फंदा है उसे सीधा भी और उल्टा फंदा है उसे उल्टा भी धागा तो पीछे दो फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर से दोहराएंगे दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे एक, दो तीन फिर से दोहराएंगे दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है जो जैसा फंदा है उसको वैसे ही पिनना है उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे फंदे को सीधा दो रो हमने कंप्लीट कर ली हैं बिन के जो कि हमारी बेस रो थी जो कि हमें डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बनानी थी उसके बाद हम इसे दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे इन दो रो को अब जो पैटर्न है मेरा वो यहाँ से शुरू हो रहा है डिज़ाइन का चार रो का मेरा ये डिज़ाइन है जिन्हें की हमें रिपीट करते जाना है पहली रो है ये डिज़ाइन की देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा अब जो ये दो उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बिनेंगे एक दो धागा पीछे करेंगे और ये तीन जो सीधे फंदे हैं इसमें से देखिए ये बीच वाला फंदा है इसकी पहली फली छोड़ के दूसरी फली तीसरी फली ये तीसरी वाली फली में से एक फंदा ऐसे इस फली में अंदर से ऐसे करके एक नया फंदा बनाएंगे इस तरीके से हल्का सा लूज कर लीजिएगा इसको फिर इसके बाद ये तीन फंदे सीधे भिन्ने हैं एक दो तीन फिर जहां से हमने ये वाला फंदा बनाया था उसी जगह से हमें फिर से ऐसे सिलाई डालेंगे और दोबारा से एक फंदा बनाएंगे इसको हल्का सा लूज कर लीजिएगा ये पैटर्न यहां पर कंप्लीट हो गया है फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो धागा अपनी तरफ करा दो फंदे उल्टे हैं ये उल्टे भी नहीं जाएंगे धागा पीछे अब पहला फंदा छोड़ के जो ये दूसरा वाला फंदा है जो बीच वाला फंदा है तीन सीधे फंदों में उसमें पहला दूसरा तीसरा ये तीसरे वाले फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के नया फंदा बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन और फिर उसी जगह से एक और फंदा बनाएंगे इस तरीके से इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे कंप्लीट हो गया है पैटर्न फिर से दोहराएंगे तो एक बार और देख लीजिए धागा आगे दो फंदे उल्टे हैं ये उल्टे भी नहीं जाएंगे धागे को पीछे करेंगे और ये एक दो तीन तीसरे वाले फंदे के अंदर से ऐसे नया फंदा बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर हमने जहाँ से नया फंदा बनाया था उसी जगह से दोबारा से एक और फंदा बनाएंगे इस तरीके से लूज़ कर लेंगे इसे तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से करनी है बना के अब लास्ट में हमारे पास ये तीन फंदे बचे हैं तो धागा आगे दो फंदे उल्टे हैं ये दो फंदे उल्टे भी ने। लास्ट की है तो इसे सीधा बिन देंगे। अब हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है दूसरी सिलाई है एक फंदा स्लिप करा धागा पीछे ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बिना फिर धागा आगे करेंगे अब ये जो नया फंदा बनाया था इसको हमने स्लिप करना है ऐसे और तीन फंदे उल्टे बनेंगे। एक दो तीन फिर से जो ये नया फंदा बनाया था इसको हम स्लिप कर लेंगे ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न फिर धागा पीछे करेंगे फिर से दोहराएंगे दो फंदे सीधे धागा आगे नया वाला फंदे को स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर से नए वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे फिर से दोहराएंगे तो धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप कराइए नया वाला तीन फंदे उल्टे भी लेंगे एक दो तीन फिर से जो नया फंदा है स्लिप कर लेंगे तो इसी को दोहराते हुए हम ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे दो फंदे सीधे फंदा स्लिप करा तीन फंदे उल्टे फिर से फंदा स्लिप करा धागा पीछे फिर दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करा तीन फंदे उल्टे फिर एक फंदा स्लिप करा अब थर्ड रो है हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है कि एक फंदा हमने स्लिप करा दो फंदे उल्टे हैं ये उल्टे भी नहीं एक दो धागा पीछे अब ये जो नया फंदा बनाया था ये और एक सीधा फंदा इन्हें हम दो फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे एक साथ फिर एक फंदा सीधा फिर ये एक सीधा फंदा और जो नया फंदा बना था इन दोनों को एक साथ ऐसे आगे से सिलाई डाल के सीधा बिनेंगे कंप्लीट हो गया है पैटर्न फिर से दोहराएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे ये जो नया फंदा बना है वो और एक सीधा फंदा इनको पीछे से एक साथ सीधा बिंदेंगे फिर एक फंदा सीधा और ये एक सीधा फंदा और जो नया फंदा बनाया था हमने इसको आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे कंप्लीट हो गया है पैटर्न फिर से दोहराएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे नया फंदा और एक सीधा फंदा इन दोनों को पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर एक सीधा फंदा और ये नया जो फंदा बना है इसको दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे तो ये फिर से दोहराएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी चौथी सिलाई है पैटर्न की कि एक फंदा हमने स्लिप करा है इसमें हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बिनना है धागे को पीछे करेंगे ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बिनेंगे एक दो धागा अपनी तरफ करा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर से दोहराएंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर से दोहराएंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। ये देखिए एक बार ये हमारा पैटर्न बन गया है अब इन्हीं चारों को हमें बार बार दोहराते जाना है इस पैटर्न को बनाने के लिए और इसको फिर से स्टार्ट कैसे करेंगे ये एक बार और देख लीजिए देखिए दो फंदे हम एक स्लिप करा हमने फिर दो फंदे हमें उल्टे बिन्ने हैं धागा पीछे अब ये तीन जो सीधे फंदे हैं उसमें से बीच वाले फंदे का देखिए एक दो और तीन ये तीसरे फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के एक नया फंदा बनाइएगा फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर से इसी जगह से जहाँ से पहले फंदा बनाया था उसी जगह से ऐसे नया फंदा बनाएंगे जैसे हमने अपनी पहली रो बनाई थी वैसे ही बन रही है ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट, फिर से दोहराएंगे तो धागा आगे दो फंदे ये उल्टे हैं उल्टे धागा पीछे ये तीन जो सीधे फंदे हैं इसमें से जो बीच वाला फंदा है इसका एक दो तीन ये तीसरे वाले खाने के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के एक फंदा बनेगा फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर से उसी जगह से ऐसे नया फंदा बनेगा हल्का सा लूज कर लेंगे इसे इस तरीके से ये डिजाइन आगे बढ़ेगा हमारा तो अब इसी डिजाइन इन्हीं चारों को हमें दोहराते हुए कम से कम छः इंच तक का बना लेना है मतलब ये जो ये डिज़ाइन का पार्ट है बॉर्डर छोड़ के डिज़ाइन के पार्ट को हम छः इंच तक बना लेंगे तो इतना मैं कंप्लीट करके अब आपको दिखाऊंगी ये मैंने कैप की लेंथ कंप्लीट कर ली है बॉर्डर छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये छः इंच बनाया है मैंने देखिए यहाँ से नापेंगे आप इसको तो ये छ इंच है बॉर्डर छोड़ के ऊपर तक छ इंच बनाना है हमें इसके बाद अब हम कैप की घटाई स्टार्ट करेंगे तो अब डिजाइन नहीं पड़ेगा इसमें कैप में और इसमें चार जगह हमारी तीन फंदों का एक करते हुए चोटी बनेगी तो चौरासी फंदे हैं मेरे पास 84 फोर हैं तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पहले हम सत्रह सॉरी पहले हम ग्यारह फंदे सीधे बिनेंगे सीधी तरफ है ग्यारह फंदे सीधे बिने फिर तीन का एक करेंगे फिर सत्रह फंदे सीधे बिनेंगे फिर तीन का एक करेंगे फिर सत्रह फंदे सीधे बिनेंगे फिर तीन का एक करेंगे इस तरीके से हमें चार बार घटाई डालनी है इसमें और लास्ट में हमारे पास दस फंदे बचेंगे तो देखिए कैसे करेंगे पहले हम यहाँ से ग्यारह फंदे बिन लेंगे एक दो तीन चार सीधा सीधा बिन रहे हैं अब हम सारे क्योंकि अब इसके ऊपर से हमें डिज़ाइन नहीं डालना है चार फंदे हो गए पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह ये ग्यारह फंदे बिने अब इन तीन फंदों का एक करना है तो पहले जो ये दो फंदे हैं इन्हें हम ऐसे एक साथ जैसे सीधा बिनते हैं वैसे ऐसे करके स्लिप कर लेंगे उसके बाद वापस से इसे लेफ्ट नेटल में चढ़ाएंगे और ये पीछे वाला एक और फंदा लेके तीन फंदों का एक कर लेंगे पीछे से ये तीन फंदों का एक कर लिया अब आगे सत्रह फंदे हम सीधे बिनेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिस सैवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सैवनटीन ये सत्रह फंदे वैन लिए अब फिर से तीन फंदों का एक करना है तो इन दो फंदों को ऐसे करके एक साथ स्लिप करेंगे वापस से ऐसे ऐसे चढ़ाया और फिर तीन फंदे एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बिन लेंगे इस तरीके से फिर से आगे के सत्रह फंदे बिनेंगे दो बार हमने तीन फंदों का एक कर लिया है दो बार अभी हमें और करना है तो फिर से सत्रह भी मिलेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह फंदे फिर से तीन फंदों का एक करेंगे तो इन दो फंदों को जैसे हम सीधा बेनते हैं एक साथ लेकर के ऐसे स्लिप करेंगे वापस ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और तीन फंदों का एक कर दिया पीछे से आगे फिर से सत्रह फंदे भी नहींग सीधे एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह फिर इन तीन फंदों का एक करना है तो इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करा फिर इन तीन फंदों को तीन का एक कर देंगे अब लास्ट में हमारे पास ये दस फंदे बचेंगे इन्हें हम सीधा भी एक दो तीन चार पच छ सात आठ नौ और ये दस यहाँ पे हमने चार बार तीन फंदों का एक करा है अब रॉन्ग साइड है उल्टा साइड है इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं इसमें फिर से हम अपनी सीधी तरफ हैं, देखिए अब हम यहाँ से यहां से हमारा एक फंदा घट गया था यहां से एक फंदा घट गया था तीन फंदों का हमने एक करा था ये हमने तीन फंदों का एक करा था तो पहले हमने यहाँ ग्यारह फंदे बिने थे अब दस फंदे बिनेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अब देखिए ये ये वाला फंदा जो है हमने तीन फंदों का एक करा था तो इसका एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से इन तीन फंदों को हमें एक करना है तो इन दो फंदों को ऐसे करके स्लिप करेंगे वापस इसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर तीन फंदों का एक कर दिया अब बीच में हम सत्रह फंदे बिन रहे थे अब यहाँ पे पंद्रह फंदे बिनेंगे क्योंकि एक फंदा हमारा इस साइड से कम हो जाएगा और एक फंदा इस साइड से कम गया है तो पंद्रह फंदे बिनेंगे अब आगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब देखिए ये वाला फंदा है जो हमने तीन फंदों का एक करा था तो एक इधर का फंदा इसका और एक इस साइड का फंदा इन तीन फंदों को फिर एक करेंगे। तो इन दोनों फंदों को ऐसे वाइज स्लिप करेंगे इसे वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया ऐसे करके और फिर तीन फंदों का एक कर देंगे पीछे की तरफ से फिर से पंद्रह फंदे बिनेंगे आगे के एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे पिन दिए फिर इन तीन फंदों का एक करेंगे तो ऐसे दो फंदे नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे एक साथ वापस ऐसे नेट लेफ्ट में चढ़ाया और ये तीन फंदों का एक कर दिया पीछे से फिर से पंद्रह फंदे बिनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तीन फंदों का एक कर लेंगे तो ऐसे नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे दो बंदे चढ़ाया इसको वापस से और फिर पीछे से तीन फंदों का एक कर दिया अब पिछली बार हमने दस फंदे भी नहीं थे अब यहाँ पर नौ ही फंदे बचेंगे हमारे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा भी लेंगे इसी तरीके से हम घटाते जाएंगे यहाँ पर और जब तक हमारे पास पांच फंदे ना बच जाएं, तब तक हम इसे पूरे इसी तरीके से घटाते चले जाएंगे। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आगे ये कैप हमारी पूरी हो गई है बन गया है ये हमारा पूरा देखिए इस तरीके से ये कैप आएगी लास्ट में हमने ये घटाई डाली है लास्ट में अब आपके पास ये छ पांच से छः फंदे बचेंगे तो मेरे ये छः फंदे बचे हुए हैं तो अब मैं इन सारे फंदों को एक साथ घटाऊंगी इन सारे फंदों को उल्टा साइड है मेरा इनको एक साथ पकड़ेंगे ऐसे इस तरीके से हमने एक साथ इनको अब थ्रेड को काट के इसको लॉक करेंगे अब ये लॉक हो गया है इसको अभी हम इतन, ऐसे ही रखेंगे और इसका अब हम मफलर बना लेंगे ये इसका मैंने मफलर बना लिया है इसमें जो है आपकी बिनाई वही कैप वाली पड़ेगी इसमें 47 सेवन ली है मैंने 47 फंदे डाले हैं और ये उल्टा उल्टा बिनते हुए एक दो तीन चार पाँच पांच धारिया मैंने बना ली हैं इसके बाद जैसे हमने अपने कैप में डिजाइन डाला था वही डिजाइन हमने इसमें भी शुरू करा है दोनों तरफ से मैंने इसमें बॉर्डर लिया हुआ है तो पांच फंदे बॉर्डर के इधर डाले हैं और पांच फंदे बॉर्डर के इधर डाले हैं तो जो आपको ये डिजाइन दिख रहा है इसमें पांच फंदे तो इधर से हैं फिर दो फंदे उल्टे तीन फंदों में डिजाइन है फिर दो फंदे उल्टे तीन फंदों में डिजाइन है इसी तरीके से लास्ट में भी दो फंदे उल्टे और फिर पांच फंदे उल्टे बॉर्डर के हैं तो जब आप ये बॉर्डर देखेंगे तो ये पांच और दो सात फंदों का बॉर्डर हो गया है तो इस तरीके से ये बॉर्डर और डिजाइन एडजस्ट हुआ है अब देखिए इसकी लेंथ मैंने 40 इंच बनाई है नाप के देखेंगे तो देखिए इस तरीके से इसे नापेंगे आप तो ये चालीस इंच है देखिए ठीक चालीस इंच ये बनी हुई है मफलर इसका अब हम आगे बनाते हैं अब देखिए क्योंकि हमें इसको कैप से अटैच करना है तो इसमें अब हमारी घटाई घटाई और बढ़ाई शुरू होगी तो अब हम पहले फंदों को बढ़ाएंगे उसके बाद घटाएंगे तो देखिए कैसे करना है ये सीधी तरफ है हमारी राइट right साइड है अब इसमें हम एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर यहां से एक फंदा बढ़ा लेंगे देखिए इस तरीके से यहां से उठाया एक फंदा ऐसे डाला और इसको उल्टा बिन लिया फिर बाकी के ये फंदे उल्टे बीन लेंगे जैसे डिजाइन चल रहा था हमारा आप जैसे भी फंदा बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा सकते हो देखो अब हम हमारे यहाँ पे सात फंदे थे तो ये आठ फंदे यहाँ से एक फंदा हमने बढ़ा लिया है उसके बाद डिजाइन हमारा वैसे ही चलेगा जैसे हमारा चलता आ रहा था ये तीसरे स्ट्रेस से एस फंदा बढ़ा एक फंदा बनाएंगे ऐसे फिर तीन फंदे सीधे फिर से इसी जगह से एक फंदा बनाएंगे नया धागा आगे दो फंदे उल्टे केवल हमें सीधी तरफ से यहां से एक फंदा बढ़ाना है बाकी की पूरी रूहा में जैसे हम बिन रहे थे वैसे ही बिनते चले जाना है देखिए राइट साइड मेरी कंप्लीट हो गई है हमने यहां पर एक फंदा बढ़ाया है बाकी की हमने सेम वैसे ही बीनी है जैसे हम नीचे से बिनते आ रहे थे अब आ जाइए अपनी लेफ्ट अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में रॉन्ग साइड में।, में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है पूरी रॉन्ग साइड हम जैसे बिनते आ रहे थे वैसे ही बिनते रहेंगे तो जो फंदे ये उल्टे हैं इन्हें उल्टा बिनेंगे बाकी बीच में जो डिजाइन का पोर्शन है वो वैसे ही बिना जाएगा और फिर से हम अपनी राइट साइड में है राइट साइड से फिर हमें यहां से एक फंदा बढ़ा लेना है देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा अब यहाँ से एक फंदा ऐसे करके उठा लेंगे हम और इसको उल्टा पहन लेंगे फिर बाकी ये डिजाइन पूरा इसी तरीके से चलेगा देखिए यहां से हमने एक फंदा उठा लिया है इसका तो पूरा डिजाइन अब हम यहीं ऐसे ही चलेगा अब केवल राइट साइड से ही हम फंदे बढ़ाते चले जाएंगे इसके और बढ़ाना कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आप तब तक फंदों को बढ़ाएंगे जब तक कि ये जो हमने फंदा बढ़ाया है चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर भी लगा लीजिएगा जहां से फंदा बढ़ाया है हमने यहाँ से जो ये कैप का ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर के इसकी लेंथ ये बॉर्डर बॉर्डर इतना छोड़ के यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए तो इतने जब तक इतनी कंप्लीट ना हो जाए इसमें फंदे हमें बढ़ाते जाने हैं तो अब इतना मैं आपको कंप्लीट करके आगे बताती हूँ देखिए लेंथ मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करे थे ये मार्कर लगाया है मैंने यहाँ पर तो यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करे थे और ये यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं तो ये टोटल जो फंदे हैं वो मैंने बयालीस फंदे है। 42 बढ़ाए हैं फोर्टी टू स्टिचेज बढ़ाई हैं तो ये फोर्टी टू और सात फंदे जो उल्टे चल रहे थे वो ये मिला के उल्टे वाले फंदे ये फोर्टी नाइन इस वक्त और अगर आप कैप से नापेंगे इसे तो देखिए ये कैप है कैप का जो सेंटर पॉइंट है ये यहां से ऐसे करके नापेंगे और ये इस तरीके से देखिए ये ऐसे 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 करके और ये यहाँ से फंदे बढ़े थे ये बॉर्डर का पार्ट छोड़ के हमने यहाँ तक की अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है अब हम इसमें फंदे घटाएंगे तो जितने फंदे हमारे बढ़े हैं उतने ही फंदे अब हमारे घटेंगे देखिए सीधी तरफ है जिस तरफ से हम फंदे बढ़ा रहे थे उसी तरफ से अब हमारे फंदे घटेंगे दोबारा से तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे अब इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बीनेंगे और बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे जो डिजाइन वाला पार्ट है वो डिजाइन की तरह ही चलेगा ये सारे उल्टे फंदे हमने बिन लिए हैं अब जो ये डिजाइन का पार्ट है वो डिजाइन की तरह ही पड़ेगा जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे फिर रॉन्ग साइड से हम रॉन्ग साइड से हमें कुछ नहीं करना है जैसे ये डिज़ाइन का पार्ट चल रहा है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा और उल्टा वाला पार्ट पूरा उल्टा बिन लेंगे केवल हमें फंदे अपनी सीधी तरफ से घटाने हैं जैसे हमने यहाँ से बढ़ाए थे उसी तरीके से हमें घटाने हैं तो बयालीस फंदे हमने बढ़ाए हैं तो बयालीस फंदे ही इस तरीके से घटा लेंगे और उसके बाद जैसे ये लेंथ कंप्लीट करिए हमने वैसे ही हम आगे इसे सिंपल बिनते जाएंगे इस जैसे ये हमने बिना है सीधा सीधा वैसे ही हम इसे आगे जब इसकी घटाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको ऐसे ही बिन लेंगे तो इसको कितना बिनना है वो मैं आपको अब कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि इसमें हम कैप कैसे अटैच करेंगे ये देखिए कंप्लीट हो गया है मेरा यहाँ से हमने बढ़ाते हुए शुरू करे थे फंदे और यहाँ से हमने घटाते हुए तो ये कंप्लीट हो गया है इसके बाद नीचे हमने लेंथ अपनी पूरी कर ली है और उसके बाद ये बॉर्डर बना दिया है जैसे हमने शुरू में बॉर्डर बनाया था पांच धारियों का उल्टा उल्टा वैसे ही नीचे की तरफ भी बॉर्डर बन गया है इसका अगर आप इसे नापेंगे नीचे तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा वैसे लेकिन अगर नापे तो ये चौदह पंद्रह इंच पंद्रह इंच के करीब है लगभग पंद्रह इंच के करीब बना है मेरा ये सेकेंड वाला पार्ट नीचे वाला तो अब इसमें हमें कैप अटैच करनी है आप इसको वैसे करके नाप लीजिएगा कि ये वाला पोर्शन आपका जो है जो ये राइट वाला पोर्शन है ये आपका आप, आपकी नेक पे ऐसे गोल घूम के जब आएगा तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर आना चाहिए तो इस तरीके से नाप सकते हैं आप इसे अब यहां पर हमें अपनी कैप को अटैच करना है ये कैप बनाई थी हमने तो कैप को अटैच करने के लिए देखिए पहले ये हमारी कैप है अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो पहले आप इसको यहां से अटैच कर लीजिएगा देखिए ऐसे करके अटैच कर लीजिएगा तो सिलना आसान हो जाएगा ऐसे करके अटैच कर लीजिएगा और क्योंकि ये डिजाइन जो हमने डाला है वो आपका सिकुड़ने वाला डिजाइन है ये देखिए ये बेंड होता है डिजाइन तो ये सिकुड़ जाएगा तो आप पहले इसको यहां से अटैच करके यहां से सिल के फिर जैसे तुरपाई करते हैं हम उस तरीके से इसको ऐसे करके इस तरीके से हल्का हल्का सा ऐसे एडजस्ट करते हुए इसको यहां से इस तरीके से सिल लेंगे तुरपाई कर लेंगे इसकी इस तरीके से पूरी तुरपाई कर लेंगे और यहाँ से भी इसको ऐसे सिल लेंगे इतना सिलने के बाद आप इसको यहाँ से अटैच करिएगा देखिए उल्टे साइड में आइएगा इसकी भी उल्टे साइड लाइएगा और यहाँ से पहले तो इसको ऐसे पिनअप कर लीजिएगा इसके बाद आप ऐसे करके ये उल्टा साइड है कैप का ये उल्टा साइड है मफलर का तो अंदर की तरफ दोनों सीधी साइड आनी चाहिए सॉरी ऐसे करके अंदर की तरफ आपके दोनों सीधी तरफ आनी चाहिए ये सीधा है ये सीधा है अब यहाँ से हमारा अटैच होगा तो आप पहले तो इसको अटैच कर लीजिएगा यहाँ से मार्कर से या धागे से किसी भी चीज़ से आप इसको अटैच कर लीजिएगा ताकि आपकी कैप को सिलने में आसानी हो देखिए इसका टॉप पॉइंट ये है इस तरीके से अटैच होगी अब इसको हमें ऐसे करते हुए जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा उसके बाद हमें इसको यहाँ तक जहां तक हमारे ये फंदे बढ़े थे इसको हम ऐसे ऐसे करके पूरा सिल लेंगे इस कैप को पूरा यहाँ तक अटैच कर लेंगे दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको अटैच कर लेंगे ये ऐसे मुड़ा हुआ आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से यहाँ से भी इस साइड से भी अटैच कर लेंगे तो ये इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे इस कैप को मफलर के साथ अब मैं इसको पूरा सिल के आपको इसका लुक दिखाती हूँ आगे कि कैसा दिखेगा ये अब इसमें देखिए हमने सिल लिया है और ये जो ये वाला पोर्शन है वो हमने छोटा बनाया है आपको ये वाला पोर्शन इतना बनाना है कि जब आप इसको फोल्ड करें ऐसे करके आप जब अपने गले में इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो ये जो आप ये नया बना रहे हैं ये दोनों ये बराबर होने चाहिए तो मेरे ये बराबर हो गए थे तो ये इस तरीके से आपको नापना है